दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एमए रसोई में। आज हम बनाएंगे बैंगन और चना दाल की बहुत ही टेस्टी सब्जी। बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है, इस तरीके से आप ज़रूर बनाना। और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने चना दाल ले ली है, हमने जो आधी कटोरी हमने चना दाल हमने ओवरनाइट हमने भिगो के रख लिया था, तो हमारी जो चना दाल है वो अच्छे से भीग चुकी है। अब हम एक कुकर लेंगे, कुकर में हम जो चना दाल को ऐड कर लेंगे। और मैंने जो दो बैंगन को काट लिया है इसको भी इसमें हम डालेंगे। अब इसमें हमने जो तीन हरी मिर्च को इस तरीके से हमने काट लिया है मोटा मोटा, इसको भी हम डालेंगे। और एक टमाटर को हमने काट लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। आधे चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें नमक। अब एक गिलास पानी को भी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और गैस पर रख देंगे हम। दो से तीन सीटी हम आने देंगे। देखिए कुकर की तीन सीटी आ चुकी हैं, तो हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। हमें कुकर की गैस को हमें निकालना नहीं है, इसके प्रेशर को अपने आप से ख़त्म होने देना है। देखिए कुकर का प्रेशर देखिए ख़त्म हो गया है। देखिए हमारी सब्जी भी गल गई है और हमारी जो दाल है वो भी अच्छे से गल चुकी है, क्योंकि हमने दाल को खुला के रख ही लगा था, तो इसलिए दाल हमारी जल्दी से गल गई है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। देखिए तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम आधी चम्मच डालेंगे जीरा। जीरा को हम अच्छे से चटकने देंगे। देखिए जीरा हमारा चटक गया है। अब इसमें हम लेंगे जो खड़ी वाली मिर्च लाल तीन, सब इसको भी हम इसमें डाल देंगे। देखिए जीरा भी हमारा अच्छे से चटक गया है और हमारी हरी मिर्च भी अच्छे से और लाल मिर्च भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने दो टमाटर को कद्दूकस कर लिया था, अच्छे से हम चला लेंगे। आधी चम्मच डालेंगे मिर्च अमचूर पाउडर और ज़रा सी हम डालेंगे हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर हमने उबालने में भी डाला था, हमने दाल में भी। और नमक को भी हमें देख कर ही डालना है, क्योंकि उबालने में भी हमने नमक डाला था, तो हम नमक को स्वाद अनुसार डालेंगे नमक को। और अच्छे से हम चला लेंगे। आधी चम्मच डालेंगे हम मिर्च पाउडर, एक चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर। हमें लगातार हमें इसे चलाते रहना है, हमें जब तक चलाना है हमारे मसाले भी पक जाएं और जो हमने टमाटर भी डाला था वो भी अच्छे से पक जाए। अब हम लास्ट में डालेंगे आधी चम्मच गरम मसाला और हमें मसाले को हमें अच्छे से पका लेना है। कि हमारा मसाला पक चुका है, देखिए तेल अलग होने लगा है, मसाला अलग होने लगा है। अब इसमें हम छोड़ देंगे जो हमने दाल और सब्जी को हमने उबाल के रखा था और अच्छे से हम मिला लेंगे और दो से तीन मिनट तक हम इसे हम पका लेंगे सब्जी को। हमने चार से पाँच मिनट हमने सब्जी को पका लिया है। देखिए हमारी बैंगन और चना दाल की सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। आप इस तरीके की सब्जी आप ज़रूर बनाएं। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया लास्ट में और गैस की फ्लेम को कर देंगे हम बंद। लीजिए हमारी गर्मा गर्म सब्जी बनके तैयार हो चुकी है सर्व करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।